beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope all of you are doing well at your homes. Students, myself Fatma Zahid, and I'm here with another video lecture of social studies. It's a lecture number 10, and today is 25th June 2021, and it's Friday. Okay, students, as you know that in the previous days we have completed our chapter number 13. We have also done the question answers of this chapter. Now in this lecture we are going to do the worksheet of this chapter. So open your worksheets. Okay students, now write down the date and day at the top of the page. Here you can see that first there are two pages of this chapter number 13 worksheet. Okay, in first page, in the first question, here you can see that fill in the blanks. Okay, ozone layer is damaged by, yes, it is damaged by pollution. The ozone layer acts as a filter against dash from the sun, rays, radiations from the sun. And the third blank is the 3R principle, stands for, you have to write it by yourself, it is really very easy. The 3R principle, sab kis stands for kya kya isme aa jata. And the global warming causes rise in temperature and sea level. Dash dumps become breeding places for dash. We all know कि जो garbage dumps होते हैं, जो कूड़े के ढेर होते हैं, वहाँ पर बहुत से कीड़े मकोड़े, rats वगैरह की मतलब साइश होती है वहाँ पर. Pollution of coastal water destroys marine life. All of you know what is marine life. We have already discussed in the class. Okay, now comes to the question number 2, which is the choose the correct answers. Okay, the first one is deforestation also causes dash. क्या होता है? Yes, deforestation also soil erosion. Maldives has banned dash to protect the reefs. Coral mining, all of you know what is coral mining, as we have discussed in the class. The Chipko movement was launched to save dash in India and Nepal. आपने बताने कि चिपकू मूवमेंट जो एक लॉन्च की गई थी नेपाल और इंडिया में, इसका बेसिकली पर्पस क्या था कि किस चीज़ को हमने सेव करना. ओके, डैश आर हार्मफुल बिकॉज दे डू नॉट डिकम्पोज एंड कांट बी रिसाइकल. कौन सी चीज़ें ऐसे हार्मफुल हैं क्योंकि उनको हम डिकम्पोज भी नहीं कर सकते और ना ही हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं. सो आपने बताने कि वो क्या कौन सी सी चीज़ें, ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं या मेरीन एनिमल्स. ओके, the United Nations Environment Program was set up to deal with dash. इस प्रोग्राम को मतलब क्यों बनाया गया, क्या मेन पर्पज़ था कि किस चीज़ से डील करना. येस, इट वॉज सेट अप टू डील विद एनवायरमेंटल इशूज. ओके, नाउ कम्स टू द पेज नंबर 2 ऑफ दिस वर्कशीट. वट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन पीपल एंड एनवायरमेंट. कम्प्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड बैंक. है यू कैन सी दैट इज अ वर्ल्ड बैंक गिवन, और उसके बाद एक टेबल दिया गया जिसमें दो कॉलम्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट और इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन पीपल. आपने बताना होगा वो इस वर्ड बैंक में से कौन सा वर्ड किस कॉलम के लिए सूटेबल है. ठीक है, जस्ट लाइक हेडेक, हेडेक का मतलब क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट है या पीपल है. यस, इट इज़ ऑन पीपल. इस द होल इन ओजोन लेयर, या हमारा एनवायरनमेंट वाले कॉलम में आ जाएगा. जैसे स्मोग, ये भी एनवायरनमेंट में. डिजीजेज, बीमारियाँ, ये पीपल वाले में. इस तरह यू हैव टू टेल कि कौन सा वर्ड किस वर्ड बैंक में से किस कॉलम में आ गया. जस्ट लाइक स्किन रैश, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एसिड रेन, स्टमक एक, डेफनेस, डेफनेस कहते हैं बहरापन. ठीक है, और हमारा है ग्लोबल वार्मिंग. तो आपने बताना है कि ये सारे वर्ड्स कौन सा वर्ड किस कॉलम में आएगा. ओके, चैलेंज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज. आइटम्स आई यूज एवरी डे दैट आई विल. There are 3 columns. You can see that recycle, throw away or reuse. हम लोग डेली बेसिस पर कौन कौन सी चीज़ें जो हम रिसाइकल करते हैं, थ्रो अवे यानी फेंक देते हैं और रीयूज़ करते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि थ्रो अवे, हम लोग आजकल सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करते हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं. ठीक है, इसी तरह रीयूज़ हम कौन से करते हैं. यस, वी यूज मैन रीयूज मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जस्ट लाइक क्या कहते हैं उसको, क्लोथ्स को हम रीयूज़ कर लेते हैं, मूविंग के लिए, डस्टिंग के लिए. हम लोग उनसे क्या कहते हैं, और बॉटल्स को, वाटर बॉटल्स होती हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं. तो और भी बहुत से डिफरेंट चीज़ें जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं या थ्रो अवे कर. थ्रो अवे में हमारे प्लास्टिक रैपर्स भी आ जाएंगे. ओके,
Well, students, that's all about today's lecture. You have to do these two parts by yourself, okay? Now, your diary is you have to learn classwork. Well, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.